प्रभु की उपस्थिति में आनंद की है। क्या है? है प्रभु की उपस्थिति में क्या है? आनंद की है। अब मान लीजिए कहीं पर लड्डू बट रहे हैं तो आपको लेने की आपको जरूरत है, हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं? अब मान लीजिए कहीं गए प्रोग्राम में और आप यहाँ पर लड्डू भी दे रहे हैं, यहाँ पर समोसे भी दे रहे हैं और यहाँ पर और भी कुछ दे रहे हैं, स्नैक्स वगैरह, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको ले या है कि नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसे ले ग्रहण करें या ना करें। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आप आनंदित हो या ना हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको एक्सेप्ट करें या ना करें आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। कुछ लोग हमेशा निराश रहते हैं क्योंकि उन्होंने निराशा को अपने जीवन में ले लिया है। कुछ लोग दुखी रहते हैं, दुख को उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। कुछ लोग नकारात्मक बातें बोलते रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को नकारात्मक बातों के लिए जगह दे दिया है। लेकिन परमेश्वर के बेटे और बेटियों, हमने जगह दिया है प्रभु के आनंद को, हालेलुया, तो उसकी उपस्थिति में आनंद की क्या है? देखो साइंस भी कहता है और प्रभु का वचन भी कहता है। देखिए जो जिसका हृदय खुश है, आनंदित है, उनका शरीर बिल्कुल अलग रहता है, स्वस्थ रहता है। जो लोग हमेशा निराश रहते हैं तो अधिकतर उनको या तो मानसिक समस्या होती है या पेट की तकलीफ होती है। आप नोट करके देखिए, जो लोग हमेशा निराश रहते हैं, नकारात्मक बातें बोलते हैं, जो लोग कमजोर बातें बोलते हैं, आप उनको पाओगे या तो वो मानसिक रीति से परेशान रहेंगे या तो उनका पेट सही नहीं रहेगा। क्योंकि जब नकारात्मक व्यक्ति होता है, जब वो क्या बोलते हैं, जब वो एक प्रकार से उसके अंदर बेकार की आत्माएं काम करती है, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर से ऐसे केमिकल्स, ऐसे रस बहने लगते हैं। हमारे शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, रस होते हैं, जो आपके खुश होने पर अलग प्रकार से रिएक्ट करते हैं, आपके दुखी होने पर अलग प्रकार से रिएक्ट करते हैं, और आपके आपके हंसने पर अलग प्रकार से रिएक्ट करते हैं। तो आप अगर दुखी होते हैं तो हमेशा एक ऐसे केमिकल, एसिडिक केमिकल, एसिड जानते हैं ना, कहते हैं मुझे बहुत एसिडिटी है, एक ऐसा केमिकल आपके शरीर से निकलना चालू कर देता है जो आपके 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 पेट को खराब करना चालू कर देता है। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो हम खुद जानबूझकर अपने जीवन में ले आते हैं, खुद जानबूझकर वो अपने हम जीवन में अप्लाई करते हैं और कहते हैं पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां प्रभु की उपस्थिति है वहां आनंद की क्या है, वहां पर क्या है, वहां पर क्या है। अब आपको लेना है कि नहीं लेना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। एक ही मीटिंग में कई लोग खुश होके जाते हैं और दूसरे लोग नहीं जाते हैं, क्यों? क्योंकि एक उसको ग्रहण कर रहा है और एक सोच रहा है, अरे पता नहीं, मेरा तो बड़ा कर्जा है, मैं तो बड़ा दुखी पुरुष हूँ, मेरे बच्चे बड़े परेशान कर रहे हैं, क्या होगा, मीटिंग से जाऊंगा तो खाना कहाँ से मिलेगा, मतलब यहीं पर सारा चीज कैलकुलेट कर। तो जो यहाँ पर मिल रहा है, जो प्रभु देना चाहता है, वो उसको ग्रहण नहीं कर सकते। इवन तो चंगाइयां मिलनी चाहती है, चंगाई प्रभु देना चाहता है और वो लेना नहीं चाहते हैं। दुखी आए थे और दुखी घर पहुंच जाते। इसलिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिसीवर कितना पावरफुल है। आश्रम में इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्रॉब्लम हो रहा है, तो वीडियोस भी साफ उतनी नहीं आ पा रही है, जानते हैं, हालेलुया। लेकिन ये अच्छा चले तो सब कुछ अच्छा चलेगा। आपका रिसीवर कैसा है वो मायने रखता है, आप परमेश्वर के वचनों को कैसे रिसीव करते हो वो मायने रखता है, आप उसको अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करते हो वो मायने रखता है।
अगर उसको सकारात्मक वे में लेते हैं तो प्रभु आपके जीवन को ब्लेस करता जाएगा, अगर उसी को आप नकारात्मक वे में लेते हैं तो आप दुखी और निराश रहेंगे। हालेलुया। कैसे लेंगे दोनों को अलग अलग? मैं कहता हूं कि प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहां खुशी होती है, कितना थाली बजा ली, मतलब उसका सोचने का तरीका अलग है। एक बंदा कहता है नहीं मुझे किसी व्यक्ति पर विश्वास हो ना ये ना हो, पर जब ये कहता है तो मुझे पूरा विश्वास है मैं इसको मानूंगा और मैं आनंदित रहूंगा, मैं शैतान को हराऊंगा और मैं खुश रहकर प्रभु की महिमा करूंगा। हालेलुया। तो एक व्यक्ति उसी को दूसरे तरीके से ले रहा है और दूसरा व्यक्ति उसी को कह रहा मैं मानूंगा। तो हमारे बीच में दोनों प्रकार के लोग होते हैं। मैं कहता हूं आप कैंसर से आजाद हो जाओगे, आपने कहा मैं मानूंगा क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके मार खाने से मैं चंगा हो गया हूं, मैं चंगा हो गया हूं, अपने लिए लेना है। हालेलुया। वो लिखा है तो मैं मानता हूं। तो जब आप मानते हो तो वो काम भी करता है। अगर आप नहीं मानते हो तो काम नहीं होता। नहीं नहीं, यीशु मसीह सर दर्द तो ठीक किया था, कैंसर कैसे ठीक करेगा? वो तो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाते। अरे वो तो कीमोथेरेपी भी ठीक नहीं कर पाए। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। संसार में ऐसा होता है, नहीं ठीक कर पाते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है यदि तू विश्वास कर तो सब कुछ संभव है। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे जल्दी से, मरकुस 9:23। मरकुस रचित सुसमाचार 9:23 पर जी यीशु ने उससे कहा हाँ यदि तू कर सकता है हाँ यह क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अब एक व्यक्ति अपने बच्चे को जिसको मिर्गी आती है, जिसको पानी में गिरा देती है, जो आग में गिरा देती है, कमजोर कर दी है, परेशान है वह व्यक्ति, और उसका पिता कहीं से सुना होगा कि यीशु मसीह चंगा करता है। हालेलुया। कहीं गया होगा, किसी ने बताया कि मेरा बेटा ठीक हो गया है, किसी व्यक्ति से मिला होगा, उसने कहा अरे मेरे बेटे को तो ऐसी समस्या थी, और मेरे भाई को यह समस्या थी, मेरे पत्नी को यह समस्या थी, मेरे पति को यह समस्या थी, और वो ठीक हो गए। अगर तुम यीशु के पास अपने बेटे को लेकर जाओगे तो तुम्हारा बेटा चंगा हो जाएगा। विश्वास करके आया और आया, और वहां पर चेले लोग मिले, यीशु नहीं मिला। कौन मिले? चेले मिले। और जब चेले मिले तो वो रिक्वेस्ट करने लगा कि मेरे बेटे को ठीक करो, और वो लोग कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं, पर वो मिर्गी वाला ठीक नहीं हो रहा है। इतने में यीशु मसीह आ जाते हैं। वो आदमी दुखी है, लाचार है, उसके अंदर सवाल उठ रहे हैं, पता नहीं मेरा बेटा ठीक होगा कि नहीं। सुन रहे? इतने में यीशु ने कहा क्या बात है, क्या कर रहे हो तुम लोग? उन्होंने कहा कि मैंने आपके चेले के पास लाया था, चेलों के पास, पर ये इसे चंगा नहीं कर पाए। यीशु ने उसको अपने तरफ बुलाया और बालक के लिए जैसे उसने बोला हालेलुया, तो उससे पहले बालक के पिता से सवाल करता है कि क्या तू विश्वास करता है। हालेलुया। वो कहता हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू ठीक कर, लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं अरे धक धक कर रहा है, पता नहीं हो पाएगा कि, पर विश्वास करके आया हूं कि हो जाएगा। क्या करके आया हूं? कि हो जाएगा, पर अंदर अंदर कुछ ना कुछ बातें चल। यीशु ने कहा क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए कोई काम कठिन है, मतलब कुछ काम कठिन नहीं, कोई काम कठिन
छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बहुत बड़ा हो, चाहे असंभव हो, चाहे वो नहीं हो सकता हो, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है, पर हमारा विश्वास। लेकिन लड़के के पिता ने बहुत शांति से और सही तरीके से बोला, प्रभु मैं विश्वास तो करता हूं पर मेरे अंदर कुछ अविश्वास है, उसका तो उपाय कर दे। हालेलुया, मेरे बेटे को चंगा कर दे। और यीशु ने चंगा किया, यीशु ने चंगा किया। यदि आप अपनी बीमारी को लेकर यहाँ आए हैं, यदि आप अपने समस्या को लेकर यहाँ आए हैं, और मैं कहता हूं आप विश्वास कर लो तो वो आज ही आपके लिए हो जाएगा। आज ही आपके लिए। 5 सप्ताह बाद होगा? नहीं। 10 सप्ताह बाद होगा? नहीं। 5 महीने बाद होगा? नहीं। 1 साल बाद होगा? नहीं। अगर विश्वास कर तो अभी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए इमीडिएट वर्क होते हैं। बाइबल में आप जब भी पढ़ोगे, लोगों को तुरंत काम हुए, चाहे वह 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री हो, चाहे वह सुबेदार का नौकर हो, चाहे वह यायर की बेटी हो, चाहे वह पराई स्त्री दूसरे देश की स्त्री हो जिसकी बेटी को दुष्टात्मा था, चाहे अन्य लोग हो जो यीशु के पास आए और चंगाई को तुरंत प्राप्त किया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह के। तो चंगाई आज आपकी है, छुटकारा आज आपका है, भरोसा करके बैठना है। हालेलुया, ये सोचकर नहीं बैठना है कब होगा कैसे होगा, प्रभु आज ही होगा। और इस भवन से जाने के बाद चाहे मेरा दर्द हो, चाहे मेरा माइग्रेन हो, चाहे मेरा थायराइड हो, चाहे मेरा कैंसर हो, चाहे मेरे किडनी की प्रॉब्लम हो, चाहे लीवर की प्रॉब्लम है, चाहे हार्ट का प्रॉब्लम हो, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो, क्यों ना हो, परमेश्वर आज ही मैं चंगाई लेकर जाऊंगा। अभी का विश्वास, तुरंत विश्वास मुझे चाहिए, मुझे अभी चाहिए परमेश्वर। यीशु ने अंधे को बुलाया, बोला क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए काम करूं? प्रभु मैं ये चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। हालेलुया। नहीं पता नहीं, बहुत सालों से तो हो गया है, बचपन से ऐसा है, देख पाऊंगा कि नहीं? प्रभु अगर तू चाहे तो 1 महीने में ठीक कर देना, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तो आंखें नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं देखना चाहता हूं, मैं नहीं जानता हूं कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, मैं देखना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर। हालेलुया। यीशु ने यह नहीं कहा कि मैं तुझे चंगा करता हूं, यीशु ने कहा तू जो विश्वास करके आया है, जितना विश्वास करके आया है, जैसा विश्वास करके आया है, तूने विश्वास किया है, आज ही मुझे चंगाई चाहिए, तो तू ले अभी ही इसी खड़ी चंगा हो जा। आमीन, हालेलुया। चंगाई में प्रॉब्लम नहीं है, यीशु मसीह के कामों में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहां है? हम कहीं अपने मन में विश्वास उतने अच्छे रीति से कर नहीं पाते हैं, इसलिए उसको कमजोर विश्वास करते हैं, कहते हैं उसको डाउटिंग विश्वास करते हैं, कहते हैं शंका वाला विश्वास, कमजोर विश्वास। हालेलुया, नहीं, स्ट्रॉन्ग फेथ चाहिए, मजबूत विश्वास की जरूरत है प्रभु के पास आने वाले को। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। पिछली बार हम देख रहे थे कि बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, मनन करने के फायदे। हालेलुया। और मैंने बताया था कि दुनिया में सब लोग मनन करते हैं, चाहे वो जानते हो चाहे वो ना जानते हो, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो, चाहे वो सही मनन करते हो चाहे वो गलत मनन करते हो, पर मनन तो सभी करते हैं। हालेलुया। मैंने वचन बताया था कि 4 के 4 में भजन में लिखा है कि पाप से डरो और अपने बिस्तर पर पड़े पड़े मन ही मन सोचो। क्या करो? मन ही मन
इसका मन ही मन मेडिटेशन करो, मनन करो। 90% बीमारियों और परेशानियों और समस्याओं का जड़ मनुष्य अपने गलत मनन के कारण ले आता है। रात दिन गलत बातों को मेडिटेट करता रहता है, रात दिन नकारात्मक बातों को मेडिटेट करता है, रात दिन कहीं और बातों को जो नहीं चाहिए उसको मेडिटेट करते रहता है और अपनी समस्या को खुद बढ़ाते जाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के बेटे और बेटियों, हमको जानना है कि अपने अपने मन को राइट तैयारी करना है, सही तैयारी करना है, तब आपका मन प्रॉपर काम करेगा। नहीं तो बाइबल में बहुत अच्छी बात लिखी है ना, यर्मिया 17:9, बहुत अच्छी बात पढ़ेंगे। यर्मिया नबी की पुस्तक उसका 17वां अध्याय उसका 9 पद। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला, मन तो सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला है। मेरे पीछे बोलिए, मन सब वस्तुओं में अधिक धोखेबाज है। हालेलुया। धोखा देने वाला मतलब धोखा, धोखेबाज है। जो धोखा देता है उसको हम क्या बोलते हैं? धोखेबाज। मन तो सभी वस्तुओं में अधिक धोखेबाज है। इसमें एक बीमारी लग गई है। कौन सी बीमारी लग गई है? असाध्य रोग, जिसको डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता, जिसको वैद्य भी ठीक नहीं कर सकता, जिसको तांत्रिक भी ठीक नहीं कर सकता, जिसको कोई नहीं ठीक रख सकता, इसमें ऐसी बीमारी लग गई है। मन सबसे ज्यादा धोखा देता है। हालेलुया। इसलिए इस मन की ट्रेनिंग परमेश्वर के वचन में है। इसको सही ट्रेनिंग दे दो, अच्छी ट्रेनिंग दे दो, तो जानते हैं क्या होगा? आपका मन सही काम करने लगेगा। जब धोखा देने की बात आती है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो तो परमेश्वर के वचन पर आधारित हो गया है, परमेश्वर के वचन को अपना आधार बना लिया है, वो वैसे ही काम करना चालू कर देगा। इसलिए यहोशू बेचारा बहुत परेशान हो गया। क्या हो गया? किस बात के लिए परेशान हो गया यहोशू? ओहो, मैं जिसके पीछे चलता था और जिसके जिससे सारी बातें पूछ लेता था, अब तो वो मर गया। मेरा स्वामी मूसा मर गया, अब मैं करूं क्या? मैं परेशान होता था, मूसा के पास जाता था, मुझे काउंसलिंग चाहिए, मूसा के पास जाता था, मैं कोई बात में जहां फंस जाता मूसा के पास जाता था और वो मुझे बताता था ऐसा करना ऐसा नहीं करना, और मैं आसानी से काम कर लेता था। अब तो वो भी नहीं रहा, अब मैं परेशान हो गया। तो परमेश्वर को उसकी परेशानी दूर करनी पड़ी, परमेश्वर को उससे बात करना पड़ा। यहोशू, हियाव बांध और दृढ़ हो जा। हालेलुया। यहोशू पुस्तक खोलेंगे। यहोशू ऐसे समय में जब परेशान है, तब परमेश्वर का वचन कैसे यहोशू के पास पहुंचता है? हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन यहोशू को कि हियाव बांध और क्या हो जा? 6 पद में, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो, मतलब टूट गया है, मतलब टूट गया है। कौन? यहोशू, है ना। एक बार ऐसा होता है, एक बार पंकज के साथ भी ऐसा हुआ था, उनके परिवार के साथ हुआ था, एक बार ये पूरे टूट गए थे, क्योंकि इनका जो लीडर थे, जो जिनको जिनके साथ रहते थे, पॉलिटिकल कैरियर में बहुत मायने रखते थे, एक दिन वो संसार से चले गए, पूरा परिवार टूट गया, क्योंकि कोई भी बात होती थी
उनसे सलाह लेते थे, उनके पास जाते थे, उनकी अगुवाई लेते थे, साथ चलते थे और नीडर रहते थे, घबराते नहीं थे कि मेरा मास्टर जो है, स्वामी जो है, जो मेरा गुरु जो है वो है। हालेलुया। लेकिन जब नहीं रहे तो हार गए, टूट गए, निराश हो गए, सोचने लगे अब क्या होगा। यहोशू भी टूट गया क्योंकि उसका लीडर जो है अब नहीं रहा। परमेश्वर खुद आज जवाब दे रहा है, चाहे पंकज को हो चाहे यहोशू को, कह रहा है यावान अंदर अपने यावान है, लीडर नहीं है, लेकिन मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा हमेशा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, मैंने जो तुझे काम दिया है वो पूरा करके रहूंगा। हालेलुया। पर इतना काम कर, दोबारा उसको परमेश्वर को रिपीट करना पड़ा। क्या करना पड़ा? एक ही शब्द को दोबारा रिपीट करना पड़ा। कहता है सात पद में, इतना हो कि तू हिया बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उसमें ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होता जाएगा। सफलता का राज यह है जो परमेश्वर का वचन कहता है आप अनुसरण करो। परमेश्वर का वायदा है कि ये कदम रखोगे तुम्हारे साथ साथ कदम बढ़ाएगा। परमेश्वर का वायदा है मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने वायदे से मुकरता नहीं है, जो वो कहता है वो निश्चित उसे पूरा। अगर वो कहता मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, आपने विश्वास किया तो आप मृत्यु के सैया पर क्यों ना हो, आप खड़े हो जाओगे, क्योंकि वो विश्वास जो परमेश्वर के वचन पर आपने किया है, वो वचन, वो सामर्थ्य परमेश्वर आपको जिंदा करेगा, आपको बचाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है तू निश्चय ना मरेगा, तू निश्चय ना मरेगा, वरन जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, सचमुच में। लेकिन अब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, यहोशू अभी भी डर रहा है। तो परमेश्वर ने पहली बात उसको जो बताई, हियाव बांधकर दृढ़ रह जा। आपको जब लगे आप टूट गए, आप खत्म हो रहे हो, या ऐसा लग रहा है सब कुछ बर्बाद हो रहा है, अपने अंदर हियाव बंधाओ। क्या बंधाओ? हियाव बंधाओ। नहीं, मेरा परमेश्वर है जो मेरे लिए लड़ेगा, मेरा परमेश्वर है जो मेरे लिए खड़ा होगा, मेरा परमेश्वर है जो मुझे नहीं छोड़ेगा। उसका वायदा कहता है ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना ही मैं तुझे त्यागूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, होले यीशु मसीह के। हालेलुया। सचमुच में वो छोड़ेगा नहीं और त्यागेगा भी नहीं, नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा। तो यहोशू को एक बात कहता परमेश्वर, कह रहा है तुझे मतलब तू कंफ्यूजन में नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा? कहता है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। ध्यान शब्द को आप मार्क करें, अंडरलाइन करें। ध्यान का मतलब मेडिटेशन, मेडिटेट। इसी पर दिन रात मेडिटेट करते रहना, मतलब जो वचन तेरे पास है इन वचनों पर ध्यान देते रहना, जो वचन तू सुन रहा है उस पर ध्यान देते रहता रहना। आज क्या होता है, संडे को आए, कुछ लोग तो नोट भी नहीं बनाते, सोचे हमारा मेमोरी पावर तो बहुत सुपर पावर है, हम तो बहुत सुपर पावर है, जो भी भैया ने प्रचार किया है, जो भी पास्टर जी ने प्रचार किया है, मैं तो बिल्कुल याद रट लिया हूं। और 10 दिन बाद पूछोगे कौन सा टॉपिक था, अरे कौन सा पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। पर उस दिन विश्वासी क्यों नहीं बढ़ता है, आप लोगों को बता रहा हूं, नोट्स नहीं तैयार करते हो,
चाहे आप कितने भी जीनियस क्यों ना हो, अगर आप नोट नहीं लिखते हो तो आप जान लो कि आप वचनों को भूल जाओगे, आप प्रीचिंग को भूल जाओगे, आप टॉपिक्स भी भूल जाओगे कि क्या प्रचार किया गया था। प्रेज द लॉर्ड। आप तो ये सोच रहे हैं जब वचन बोलेंगे पास्टर जी ना मैं उसी लिखाऊं, तो मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको कौन लिखेगा? ये और एक बीमारी कि जो जो वचन बोलेंगे ना उसी को लिखूंगा। ये उस एक का आठ सात जो समझाया जा रहा है और जो प्रभु आपको बता रहा है कि ये भी जरूरत है उसको कौन लिखेगा? यहां पर कमजोरी है केवल पास्टर जी नहीं तो मुझे क्या करना है इतना समझाने की मैं कहूंगा अच्छा लिखो उत्पत्ति लिखो लिखो ये लिखो खत्म हो गया चलो जाओ हमने प्रचार कर दिया। समझाने की क्या जरूरत थी? लिखना यह है कि जो परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है उसको भी नोट करना। परमेश्वर मुझे ये समझा रहा है कि ये चीज मुझे करना चाहिए इम्पोर्टेंट। हालेलुया। वचन भी लिख लिया। अच्छा ये होशू को परमेश्वर ने बोला था आज मुझे भी यही बात कह रहा है इम्पोर्टेंट। किसी को कुछ मतलब नहीं है, है ना? आया राम इधर से सुनो और इधर से, इसीलिए विश्वासी नहीं बढ़ता क्योंकि तुरंत तो याद रहेगा लेकिन बाद में नहीं। पास्टर जी हम ना फेसबुक पर जाकर ना दोबारा सुन लेंगे, हम ना दोबारा उस पे जाके ना यूट्यूब पर, मैं जानता हूं अच्छी तरीके से, तब तक मैं 10 प्रचार हो जाएंगे फिर आप उसको भी नहीं सुन पाएंगे 9 और भी नहीं सुन पाएंगे। इसलिए तुरंत काम करो। मैं जब प्रचार सुनता हूं परमेश्वर के जनों का, तो अगर उन्होंने केवल 10 वचन बताए हैं 10 वचन, तो मेरा कम से कम 5 पन्ने भर जाएंगे और कॉपी में आपको दिखा दूंगा। अगर केवल 10 वचन या केवल 3 वचन दे रहे हैं, आप पाओगे कि उनके 40 मिनट के प्रचार में मेरा 5 पेज भरा हुआ मिलेगा, क्योंकि जो प्रभु मुझे बात कर रहा है वो भी मुझे लिखना है, जो प्रभु मुझे समझा रहा है वो भी मुझे लिखना है, जो मेरे जीवन में मुझे करना है वो भी मुझे लिखना है, वो सारी बातें उसी समय देते जा रहा है और मुझे उसको लिखना है क्योंकि मैं कल भूल सकता हूँ। फिर मैं इधर से खोलूंगा, अच्छा रुकिए कहाँ पर है, ये लीजिए, माय गॉड, अच्छा 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज 6 पेज 7 पेज वाह 7 पेज ये मैं कभी नहीं बोलूंगा। हालेलुया। जस्ट एक किसी का प्रचार सुन रहा था, देखो पता नहीं डेट कब है, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 6 7 पेज ठीक है, इसके आगे भी बहुत सारे पेज नहीं, बस हो गया। हम तो बड़े समझदार हैं, हमको कोई लिखने की थोड़ी जरूरत है, मेमोरी पावर बहुत तेज है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ते। 10 साल बाद भी वहीं पे खड़े रहते हैं, 10 साल बाद भी वही मेंटालिटी रहती है, 10 साल बाद भी वैसे ही चलते रहते हैं। कहता है वचन को केवल जान गए मायने नहीं रखता है, दिन रात उसी पे क्या करते रहना, ध्यान देते रहना। अगर तू ध्यान देता रहेगा तो क्या होगा, क्या होगा? यहाँ पर लिखा है इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रभु मुझे प्रभावशाली बना दे, प्रभु मुझे सफल बना दे, पर मैं तेरे वचन को ना मेडिटेट नहीं कर सकता, पर मैं तेरे वचन को ना लिख नहीं सकता, पर मैं तेरे वचन को, तो फिर कैसे आप प्रभावशाली बनेंगे, कैसे आप पावरफुल बनेंगे? यीशु कह रहा है उस समय के लोगों का मेमोरी पावर भी बहुत अच्छा था, यीशु को बहुत सारे वचन याद थे, यीशु बहुत सारी चीजों में तेज था, पर परमेश्वर कहता है कि ये तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, ना उतरने। इसलिए
जो कुछ उसमें लिखा है करने की चौकसी करे तो सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली व्यक्ति होगा। हर व्यक्ति इस प्रभावशाली बनना चाहता है, हर व्यक्ति सफल बनना चाहता है, पर हर व्यक्ति जैसा वचन कहता है करना नहीं चाहता है, इसलिए सफल भी नहीं होता। हालेलुया, बोले सो मसीह की, बोले सो मसीह की, बोले सो मसीह की। तो ये मनन कब तक करना है, मनन कब करना है, मनन कब करना है, दिन और उठते बैठते चलते फिरते खाते लेटते हर घड़ी तो उस पर ध्यान देते रहेगा, और जो तू ध्यान दे रहा है उसको करने में भी ध्यान देते रहना, तो फिर पाओगे, सफल हो जाओगे, प्रभावशाली होगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, बोले सो मसीह के। मनन में क्या क्या लोग करते हैं, मनन में आप प्रार्थना भी कर सकते हैं। मनन करने का तरीका, क्योंकि टाइम नहीं है आज ज्यादा, इसलिए मैं समाप्त करना चाह रहा हूँ, बहुत सारी बातें हैं। मनन में लोग क्या करते हैं, कई लोग वचन को लिख कर भी मनन कर सकते हैं। मतलब पहले लोग याद करने का तरीका क्या करते थे, आज भी स्टूडेंट क्या करता है, कई लोग जब भूलक्कड़ होते हैं तो क्या करते हैं, एक बार दो बार तीन बार चार बार लिखते 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 लिखते, है ना। ये कहानी मुझे याद आ गई, सुनाना जरूरी है। टीचर एक सवाल हल नहीं कर पा रहे थे, तो टीचर ने सोचा चलो कोई बात नहीं, गाइड से उतार के ही बच्चों को सिखा देंगे। हालेलुया, गए और ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने जो था उनको हल कर दिया, जैसा याद किया था वैसा लिख दिया। तो बोले समझ में आ गया, स्टूडेंट बोले नहीं, बोले दोबारा कर देते हैं, फिर मिटाया, फिर याद तो था ही, फिर उन्होंने लिख दिया, फिर बोला याद हो गया, समझ में आया, बोले नहीं, फिर इसके बाद बोले कोई बात नहीं, एक बार और लिख देते हैं, फिर समझ में आया, नहीं सर, बोले एक बार और लिख देते हैं, एक बार और लिखे, बोले समझ में आया, बोले नहीं, गधो तुम्हें समझ में नहीं आया, लेकिन समझाते समझाते मुझे समझ में आ गया। हालेलुया, बार 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 जब आप करते हैं तो ना भी समझ में आए तो आपको समझ में आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, नहीं मुझे वचन नहीं समझ में आता है, बार बार पढ़ो ना, आपको समझ में आना चालू हो जाएगा। इसलिए वचन को रात दिन मनन करने का मतलब क्या है, आपको उसको चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। आप लिख कर भी क्या करते हैं उसको मनन कर सकते हैं, मतलब वो अपने आपके माइंड में प्रिंट हो सकता है, लिख कर भी कुछ लोग ऐसा करते हैं। नंबर दो, शांत बैठ कर, शांत बैठ के आप कोई गीत ले लीजिए, आप उसको सुनकर, या आजकल ऑडियो बाइबल है, आप चुपचाप उसको चलाइए और चुपचाप उस वचन को सुनिए, एक अध्याय, दो अध्याय, पांच अध्याय, दस अध्याय, शांत मन से एक बार सुनिए, दो बार सुनिए, तीन बार सुनिए, चार बार सुनिए, आपको ऑडियो बाइबल सुनते ही सुनते आप वचन पर मनन करना चालू कर देंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के। कई लोगों का तरीका है अन्य भाषा बोल बोल कर भी वचनों पर मनन कर लेते, मतलब अन्य भाषा बोलते जाते और वचन को भी मनन करते जाते। ये भी टेक्निक है जो आप वचनों को क्या कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, लिख कर, शांत बैठ कर, म्यूजिक बजाकर या ऑडियो बाइबल चलाकर, अन्य भाषा बोलकर आप मनन कर सकते हैं, या फिर आप अपने अंदर आत्मा में सवाल पूछ कर सकते हैं, प्रभु मुझे ये जरूरत है, प्रभु मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे बताइए। आप जब अंदर ही अंदर ये सवाल पूछते रहेंगे, आप उन चीजों पर मनन करते रहेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको उसका जवाब भी देता चला जाएगा। हालेलुया, इमेजिनेशन करके आप मनन कर सकते हैं। अरे क्या आंख बंद करके कर रहा है भाई, कहां विचार में खोया हुआ है, नहीं बोलते हम, बोल देते हैं, ओ भाई कहां खो गया, इसका मतलब वो बैठे बैठे किसी चीज के बारे में क्या कर रहा है, इमेज कर रहा है, इमेजिनेशन उसके अंदर चल रही है,
वो कल्पना कर रहा है, परिकल्पना कर रहा है किसी चीज की। आप बैठे बैठे आप कल्पना कर सकते हैं। कई लोग तो बोल के भी कल्पना करते हैं जो पागल हो जाते हैं। मैं ऐसा करूंगा, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं ये हूं, मैं जनता नहीं हूं। रोड पे आप जाकर देखते होंगे लोग ऐसा मिलते हैं, क्योंकि ना केवल बोल रहे हैं पर उनके अंदर वो नहीं इमेजिनेशन भी है। इसका मतलब जब आप प्रभु में मजबूत हो जाते हैं, आप बोलकर आप इमेजिनेशन भी कर सकते हैं आपको प्रभु कहाँ लेकर जा रहा है। आप कह रहे हो परमेश्वर मेरे लिए बड़े बड़े मार्ग खोल ले रहा है, परमेश्वर मुझे अच्छे अच्छे लोगों से मिला रहा है, परमेश्वर मेरे लिए ऐसा काम करने जा रहा है। आप इमेजिनेशन कर रहे हैं, मेरे लिए ऐसा बिल्डिंग होगा, मेरे लिए ऐसा घर होगा, मेरे लिए ऐसे परमेश्वर रास्ते खोलेगा, मेरी ऐसी गाड़ी होगी, मेरा ऐसा जॉब होगा, मेरा ऐसा बिजनेस होगा, मेरी ऐसी शादी होगी, मेरा ऐसा पत्नी होगा, मेरी पत्नी होगी, मेरा ऐसा पति होगा। जस्ट आप इमेज कर रहे हो। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन को बोलकर भी आप इमेजिनेशन कर सकते हैं और परिकल्पना कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। ये हमारे माइंड में ऐसे बहुत जल्दी क्या करता है, कब्जा कर लेता है, बहुत जल्दी कब्जा कर लेता है जिनके मन में पिक्चर आ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति एक्सीडेंट देख लेता है, क्या देख लेता है, एक्सीडेंट, तो उसके माइंड में वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, वो एक इमेज बन जाता है। वो जैसे ही कुछ ऐसा होता है तो तुरंत वो इमेज काम करना चालू। आपके अंदर अगर परमेश्वर के वचन का इमेज बन चुका है तो जब जरूरत पड़ेगी तुरंत वो इमेज लाइव हो जाएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के। तो आप ऐसे भी मनन कर सकते हैं, एक तरीका है। हालेलुया। एक और तरीका है, परमेश्वर की इच्छाओं को पकड़ो, परमेश्वर की इच्छा बाइबल में क्या क्या है उस पर मनन करना चालू कर दो। परमेश्वर की इच्छाओं पर, प्रोमिसों पर, आप जो उसकी प्रतिज्ञा है उन वचनों को लो और उस पर मनन करना चालू कर दो। आप ये भी एक तरीका है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन उसके डायरेक्ट आवाज सुनने के लिए भी आपको मनन करना बहुत जरूरी है। अगर आप वचनों में मनन करते जाओगे आप परमेश्वर की आवाज आप अपनी क्लियर सुन पाओगे। आपके अंदर क्लियर आवाज सुन पाओगे। आवाज क्यों नहीं सुन पाते परमेश्वर की, क्योंकि इस हृदय में ना लाखों तार बज रहे हैं। क्या बज रहे हैं, लाखों तार बज रहे हैं। बिजनेस के तार बज रहे हैं, तो जॉब के तार बज रहे हैं, तो उधर जाना है, इधर करना है, उधर करना है, ये करना है, मतलब हजारों कल्पनाएं इसके अंदर चल रही हैं। वो जगह ले ली है पूरे हृदय में, क्या ले ली है, और आप सोच रहे हो कि मैं मनन करूं तो वो वचन अंदर जाएगा ही नहीं। वो वचन अंदर नहीं जाएगा क्योंकि लाखों बातें आपके अंदर ऑलरेडी जगह बना चुकी है। जब वो लाखों बातें हटने लगती हैं और परमेश्वर का वचन आप ज्यादा मनन करते 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 अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को जगह दे देते हो तो परमेश्वर आपसे बातचीत करने लगता है। हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर आपसे बातचीत करने लगता है, नहीं तो पूरी जिंदगी घर भर विश्वासी चर्च जाते 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 एक दिन फिर वो कब्रिस्तान भी पहुंच जाता है और कभी उसने परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी होती है। जबकि आप चाहो तो आपको ज्यादा दिन नहीं लगेंगे परमेश्वर की आवाज सुनने में। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सातवीं बात, जब आप मेडिटेट कर रहे हो और परमेश्वर आपको रिवेलेशन दे रहा है, मैंने शुरू में एक बात बताई थी, मेडिटेशन ब्रिंग्स रिवेलेशन, है ना। मनन प्रकाशन को लाता है। मनन क्या करता है, प्रकाशन को लाता है। मनन से वचनों का रिवेलेशन हमारे अंदर आने लगता है। मान लीजिए आप मनन कर रहे हो और परमेश्वर ने आपको गाइड दे दिया, ये गलत है बेटा, इसको छोड़, ऐसा काम नहीं करना। परमेश्वर का वचन बात करने लगा, आप मनन कर रहे हो, बात करने लगा, तो आपको अगला कदम है अपने जीवन को वैसा एक्ट करना, वैसे चलना। हालेलुया। वैसे क्या करना, चलना बहुत
जरूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट जो है कि जो आपसे मेडिटेशन में बात करे उसको कार्य में लाए, उसको रहने ना दें। ऐसा नहीं कि भैया लिख लिया और छोड़ दिया, उसको कार्य में लाए। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन बहुत सारे हैं पर आज प्रभु